मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और मैं हूं तारिक मतीन। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात आयशा गुललई की, उन पर करप्शन के इल्जाम की, तो एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने इसका नोटिस ले लिया है। आपको बताएं कि नोटिस जाती मुआविन के तराफ पर लिया गया। नूर जमान ने गुज़िश्ता रोज आयशा गुललई पर 1 करोड़ रुपए के रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया था। तफसीलात क्या है अनिला शाहीन से जानते हैं। जी अनिला बताएगा क्या अपडेट्स है इससे मुतल्लिक। बिल्कुल, एहतसाब कमीशन ने आयशा गुललई के खिलाफ जो इल्जाम आयद किए गए थे उसके खिलाफ नोटिस ले लिया है। अभी सिर्फ फैसला हुआ है। नूर जमान ने जो इल्जाम आयद किए थे 72 लाख रुपए के करप्शन के, उनको हिदायत जारी कर दी गई है कि वो इस इल्जाम के हवाले से जो शवाहिद उनके पास है वो एहतसाब कमीशन को फराहम करे। इसके अलावा कल फज़ल इलाही की जानब से जो मेंबर सूबाई असम्बली है उनकी जानब से भी कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के इल्जाम आयद किए गए थे, जबकि फंडरेजिंग के हवाले से भी आयशा गुललई पर इल्जाम आयद किए गए थे। तो तमाम जो इल्जाम है उसकी रोशनी में आज एहतसाब कमीशन ने तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं उनको हिदायत जारी की है कि वो आयशा गुललई